सत श्री अकाल दोस्तों, अज खड़े हाँ पिंड मन्नो माछी दे कोल, जिथे ब्यास दरिया ते सतलुज दरिया दा पानी इन्ना कु वध चुकिया है कि लोकां दा इत्थों निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत नाजुक हालात बने हुए ने इस इलाके दे। तुसीं देख सकते हो तस्वीरां विच किद्दां घरां दीआं छत्तां तक पानी लगण नूं जा रिहा है। देखो तुसीं चारे पासे पानी ही पानी, किन्ने किलोमीटर तक पानी ही पानी तुहानूं नज़र आवेगा। इहदे विच कई घर डुब्बे होए ने, अजे तक कोई पत्रकार कोई मीडिया वाला इत्थे नहीं पहुँच सकिया, ना ही पहुँच सकता हैलीकॉप्टर तो बगैर, क्योंकि यह पिंड दो दरियावां दे विच घिरिया होया पिंड है, जिथे के किश्ती दे राहीं बहुत औखा पहुँचना है इत्थों तक। ते लोग फसे हुए ने इस इलाके दे विच, उन्हां कोल खाण नूं ना तां कुछ खाण नूं ना पीण नूं पानी हैगा, क्योंकि पानी सारा बिल्कुल खराब हो चुका है। पीण लई पानी ते होर भी पशुआं लई इत्थे कोई मतलब पट्ठे कोई चारा नहीं हैगा, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तुसीं तस्वीरां विच देख सकते हो चारे पासे पानी, पिछले पानी नालों इस बार पानी आया है, बहुत तेज़ पानी आया है, जो बहुत तेज़ रफ्तार ना वध रहा पानी, और कईयां दे इत्थे घर भी लुढ़ चुके ने। फसल तो पहले पानी नाल बर्बाद हो चुकी सी, जिहड़ा पहला पानी आया सी सतलुज नदी विच बहुत ज़्यादा। हुण इह दरिया दोनों दरियावां दे विच पिंड मन्नो माछी पैंदा है, इस दा सब तो ज़्यादा नुकसान इस पिंड दा होया है, क्योंकि लोग इत्थों दे बहुत दुखी ते परेशान ने, फसे हुए ने लोग, उन्हां तक कोई मदद नहीं पहुँच रही। लोगों वल्लों बेनती की गई है कि इत्थों तक कोई मदद पहुँचाई जाए। तो माणयोग सीएम भगवंत मान सिंह नूं बेनती है कि इहो जे एरिए दा जायजा लिया जाए। इन्हों का कहना है कि 2019 जिहड़ा हड़ आया सी उहदे विच भी कोई मुआवजा नहीं मिलिया, कोई कुछ नहीं। उदों तक चलो कांग्रेस सरकार सी, हुण आम आदमी पार्टी है, लोकां दा कवारी हो जावे। तुसीं देख सकदे चारे पासे पानी, आ सड़क सीगी बिल्कुल, सड़क बिल्कुल टुट चुकी है। तुसीं देख सकदे हो जे सड़क बिल्कुल टुट चुकी है और रस्ता बंद हो चुका है। ये एक थां ते नहीं, अगे भी दो थां ते इदां ही सड़क टुटी हुई है, आना जाना बिल्कुल बंद है। 40 दिनों तो आना जाना बिल्कुल बंद हो, पहले जो हड़ आया सी सतलुज नदी दे विच उदों तो आना जाना बिल्कुल बंद हो गया सी इत्थों दा, ते उदों बाद च थोड़ा थोड़ा पानी उतरिया सी इत्थों, ते बाद च फिर ब्यासे दरिया च बहुत ज़्यादा पानी आउण करके, सतलुज पानी आउण करके इत्थों दे हालात फिर उदां दे बन चुके ने। पहले नालों भी ज़्यादा इस बार हालात खराब ने, लोग बड़े परेशान ने। लोगों तक सहायता पहुँचाई जाए, सारिया जिन्हें भी सेवा संस्थावां ने उन्होंने बेनती है कि लोगों तक मदद पहुँचाई जाए। पानी लंगर जो भी है इन्हां तक एक बार पहुँचाया जाए, एक बार इन्नी को मदद की जाए इन्हां लोगों की जो इत्थे फसे हुए ने। सीएम भगवंत मान सिंह नूं बेनती है कि इन्हां लोकां दे घरां विच आ के एक बार जायजा लिया जाए कि हालात ने इत्थों दीआं जमीनां जिहड़ियां ने उह भी कच्चियां जमीनां ने, लोकां दा बहुत ज़्यादा नुकसान होया है हड़ नाल, बहुत फसलां खराब हो गईआं ने। किसी ने सब्जी बीजी हुई सी उह भी खराब हो चुकी है। पिंड दे लोकां नाल मिलिया सी मैं, उन्हां नाल गल्लबात जदों कीती ते उन्हां दीआं इही परेशानियां सीगा, सारा कुछ उन्हां दा लुढ़ चुकिआ है, बिल्कुल लोग हथ ते हथ धर के बैठे ने, दुआ कर रहे ने परमात्मा नूं कि कदों पानी उतरेगा ते रस्ता चालू होगा। ते लोग कुछ खाण पीण लई वस्तुआं जिहड़ियां लियाउंदे ने उह भी बिल्कुल बहुत मुश्किल है, लोकां दा बहुत जीणा मुश्किल होया पिआ है। तुसीं देख सकदे हो सामने जिहड़े घर किन्ने डुब्बे होए ने, तुसीं तस्वीरां 'च सामने घर देख सकदे हो किन्ने डुब्बे हुए ने, काफ़ी ज़्यादा 35-30 घर इधर ने जिहड़े डुब्बे हुए ने, बिल्कुल डुब्बे हुए ने। ये मन्नो माछी दीआं तस्वीरां ने, तुसीं इधर भी देख सकदे हो
ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੱਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾਂ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ 2023 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮੰਨੋਮਾਛੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।